टाइपराइटर पर चल रही ये उंगलियां भले ही कोरे कागज पर शब्दों को उकेर रहे हों, लेकिन ठीक इसी तरह से ये उंगलियां उस सपने को संवारने के लिए लगातार कई सालों से चल रही हैं जो सपना इनकी बेटी ने देखा था। जी हाँ, ये शख्स हैं जुझार मालवीय, जिनकी रतलाम जिला कोर्ट परिसर में छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान है। लेकिन छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले जुझार मालवीय की बेटी ने वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी के बस में नहीं है। जुझार की बेटी निरंजना मालवीय ने सिविल जज की परीक्षा पास की और वो आज सिविल जज बन गई हैं। बेटी जज बनी और जब पिता से मिलने आई तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आंखों से खुशियों के आंसू झलक पड़े। पिता जुझार मालवीय बताते हैं कि बेटी निरंजना जब 10वीं क्लास में थी तब से ही दुकान पर उनका हाथ बटाती थी। तभी न्यायाधीशों को देखकर उसके मन में जज बनने की इच्छा जागी और आज बेटी ने वो मुकाम भी हासिल कर लिया। मेरे 4 बच्चे हैं और इस न्यायालय परिसर में फोटोकॉपी की दुकान है जहाँ मैं फोटोकॉपी और टंकण का कार्य करता हूँ। और मेरी गुड़िया जो निरंजना मालवीय जब भी जज बनी है वो 11वीं से ही मेरे साथ में थी, मेरी दुकान में मेरा हाथ बटाती थी और वहाँ पर जजेस को देखने के बाद उसने कहा पापा मुझे ये बनना है। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मैंने इसका सहयोग किया और ईश्वर ने आज वो सफलता इसको दी है। मैं हृदय से प्रभु का आभारी हूँ कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। मेरा तो ये सपना था कि वो एडवोकेट बन गई है, यहीं तक मैं संतुष्ट था, लेकिन ये सिविल जज बन गई, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। कठिन परिस्थितियों में भी अपनी लगन से सपनों को पूरा करने वाली निरंजना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। निरंजना ने बताया कि पिता ने हमेशा से ही उन्हें प्रेरणा दी और हर बार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिम्मत देते रहे। माँ ने भी कभी घर गृहस्थी के कामों के लिए दबाव नहीं बनाया। निरंजना ने बताया कि वो रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी और एक बार इंटरव्यू में फेल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार में ये मुकाम हासिल किया है। सर, मेरे पिता श्री जुझार मालवीय की कोर्ट परिसर जावरा में दुकान है और मैं कक्षा 10वीं से ही वहाँ जाती आती रही। न्यायाधीश श्री महोदय को आते देख मुझे प्रेरणा मिली कि मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य सिविल जज बनना ही है। फिर मैंने 2018 में लॉ कंप्लीट करने के बाद में निरंतर तैयारी की। एक बार साक्षात्कार में असफल रहने के पश्चात द्वितीय प्रयास में मैंने सफलता प्राप्त की। सर, वास्तविकता तो यह है कि आज जो भी मैं हूँ आज इन दोनों की बदौलत ही हूँ। पिताश्री का पूर्ण सहयोग मिला, दूसरी तैयारी करने की इच्छा मन में एक बार आई। एक बार मेरा CRPF भी चयन हुआ था पर पिताश्री ने कहा कि नहीं, जो चीज़ के लिए भरे हैं हम उसी में हम अग्रसर होंगे और अंतिम रूप से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो सर, जिसका परिणाम आपके समक्ष है। और मम्मी ने कभी भी हमसे गृहस्थ घरेलू काम नहीं करवाए। जब भी पढ़ाई वगैरह करते थे तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि काम पढ़ाई छोड़ के काम करो आप या काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल उन्होंने हर दम तैयार हमें इस तैयार होने के लिए मदद की है। निरंजना की शादी 3 महीने पहले सोनकच्छ के रहने वाले योगेश मालवीय से हुई है जो कि एक एडवोकेट हैं। निरंजना ने बताया कि शादी के बाद जब सिविल जज परीक्षा का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू की तैयारी में पति व ससुराल वालों ने भी उसकी काफ़ी मदद की और लगातार हौसला बढ़ाया। बेटी की सफलता हर पिता का सपना होता है और निरंजना की सफलता ने उनके पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। कोर्ट परिसर की एक छोटी सी दुकान में जिंदगी बिता देने वाले जुझार मालवीय के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या होगी कि अब ऐसे ही किसी कोर्ट परिसर में बैठकर उनकी बेटी न्याय करेगी। बेटी की सफलता से खुश माता पिता भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मीलों पैदल सफर कर होरी हनुमान मंदिर पहुंचे और भगवान को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।